नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। दिन भर के तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत का असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर कांग्रेस द्वारा मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया। हल्द्वानी मटर गली में व्यायामशाला की जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमित्र गोपाल के वर्मा और हल्द्वानी के एसडीएम मनीष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। न्यायमित्र गोपाल के वर्मा ने कहा कि ये मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रशासन की टीम के साथ स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत फोटोग्राफ्स और जानकारी एकत्रित कर तथ्य न्यायालय में पेश किए जाएंगे। हल्द्वानी कोतवाली के बाहर गीता प्रेस के वाहन में पुस्तक बेच रहे बुजुर्ग ने आज जेजेएन से बात करते हुए बताया कि ये हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है और अब जो सिर्फ एक प्रकाशन नहीं बल्कि एक भावना है, क्योंकि तमाम वित्तीय दबावों के बावजूद इसने लोगों को सस्ती कीमतों में धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध करवाना कभी नहीं छोड़ा, ना ही कभी इस मामले में इसका इरादा अपने लक्ष्य से भटक पाया है। शहर में आज धार्मिक संस्था हरिशरणम जन की ओर से धर्मांतरण पर बनी चर्चित फिल्म द किरण स्टोरी ने मातृशक्तियों को निशुल्क शो दिखाया गया। शनिवार को 140 महिलाओं ने इस फिल्म को देखा। इस दौरान संस्था प्रमुख स्वामी राम गोविंद दास भाई जी ने कहा कि हम अपने धर्म की जड़ों को और मजबूत करने के लिए अपने घर के बच्चों को धर्म की जानकारी और संस्कार देने जरूरी है। नैनीताल रोड में तिकोनिया से लेकर भोटिया पड़ाव चौकी तक गैस पाइपलाइन परियोजना कार्य के चलते गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। पर्यटन सीजन में हर रोज यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा रात के समय अनियंत्रित गति से चलने वाले वाहन कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। शनिवार को सड़क में एक भी कर्मचारी काम करते हुए नहीं दिखाई दिया। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।